جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खैरियत से यूसुफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना बिलाल साहब आप सुनाइए। बोलिए ना। खैरियत से? खाना बना रहा था। खाना बना रहे हैं? जी। निकाह नहीं हुआ है क्या? नहीं, ये मदरसे में पढ़ते हुए एक्चुअली सब बच्चे लोगों ने मिलकर बोले आज कुछ बनाते तो बना रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। निकाह तो नहीं हुआ है। 19 साल का ही हो आप? जी। और आपने इतना बड़ा जुर्रत वाला कदम उठा लिया कि मुंतखब हदीस की तालीम शुरू करा दी जो बंद करवा दी थी वो? क्या करे, असर पड़ता है अभी हमारी बातों का अभी से, तो क्या करे। ओहो, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। कोशिश किया था असल दुआ के साथ तो हो गया वो। दुआ के साथ आपने कोशिश किया था। कभी कभी शर भी अल्लाह ही की तरफ से होता है, क्योंकि हमारा तो अकीदन खैर ही वो शर। कभी कभी नहीं हमेशा। हाँ सॉरी नहीं, कभी कभी आदमी को लगता है कि वो खैर की तरफ हो, वो तो हमेशा अल्लाह की तरफ से होता है। कभी कभी आदमी को लगता है कि मैंने दुआ मांगी और ये काम हुआ है, वो शर भी हो सकता है ऐसा। जी हो सकता है। हाँ तो शर इसलिए कि जो हम तो जमात वाले ना, हम तो कहते हैं बगैर मशवरे के, तो ये तो क्या बगैर मशवरे के तय हुई चीज है ये पूरी। जी। आपने कहा था आप सिर्फ मौलाना यूनुस साहब के बारे में ही बात करेंगे, तो वाला चलो उसी पे बात कर ले आपसे। जी बोलिए ना। क्या बोलिए आप? क्या बोलते बोलिए। मौलाना यूनुस साहब मौलाना साहब साहब के खिलाफ उसकी कोई जाम नहीं माने वही। आप जोर से बोलिए ना, नहीं सुने जरा। मौलाना यूनुस साहब जो मौलाना साहब साहब के खिलाफ थे उसकी दलील बताओ मुझे, वो बता दो। उसकी दलील तो अब्दुल अजीज बाबा हैं। अब्दुल अजीज बाबा पूना से रायगढ़ 150-200 किलोमीटर दूर रहे। पूना से दूर है ना, लेकिन जब महाराष्ट्र का सफर कई साला साल तक साथ में किया ना, उनके तरबियत याफ्ता है। हाजी लोग भी थे। हाजी शकील साहब मुमरा भी साथी रहे उनके, तो वो मौलाना मुबीन भी साथी रहे। हाँ वो तो क्या कहता हूँ, साथ साहब के साथ ही हमारे मौलाना इब्राहिम साहब, हाजी अब्दुल वहाब साहब, वो भी रहे हैं। सही बात है ना। तो फैसला कुन चीज तो वो है जो साथ साहब के मुआफिक, कोई बात बता दीजिए ना मौलाना यूनुस साहब की, जैसे मैं खिलाफ बता रहा हूँ। देखो मुआफिक रहने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई चीज बताए, मुखालिफत के लिए जरूरी है। हाँ तो मुखालिफत की तो बात बता दी मैंने आपको। क्या बता कि मौलाना यूनुस साहब का कॉल अक्सर नकल करते हैं हजरात। अगर इसमें जरा टमाटर डाल दो, मैं आ रहा हूँ। हाँ टमाटर डाल लो। डाल दे। हाँ तो मौलाना यूनुस साहब का तो कॉल नकल करते हैं सारे लोग कि ये ऐसा बछड़ा है जो बड़ा होकर खुद का ही खेत चर जाएगा। कौन लोग करता है ये सुपर, कौन नकल? अब्दुल अजीज बाबा, मैं उनकी ऑडियो आएगी इंशाल्लाह। अब्दुल अजीज बाबा जो है वो 2014 से पहले नकल करते थे। हाँ बिल्कुल, मैं क्या बोलता हूँ सुनो। 2014 से पहले ऑडियो नकल। आपको सुनो ऐसा है, कुछ बातें नकल न करने उसकी हकीकत नहीं है, ऐसा थोड़ी है। साथ साहब को लोग कहते हैं हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह साथ में ही रखते थे। भाई साथ में ही रखते थे इसका मतलब आपने क्या समझा? वो तो हजरत जी खुद बताएंगे या तो उस जमाने के लोग बताएंगे कि क्यों रखते थे। हजरत जी सारिफ ना, मोहनाम साहब। हाँ जी। अब्दुल प्रोफेसर प्रोफेसर अब्दुल खालिक सिद्दीकी साहब जिंदा है अभी, डॉक्टर खालिक सिद्दीकी साहब। वो उनके और अब्दुल हाजी अब्दुल वहाब साहब के इसरार पे इस आदमी को शूरा में लिया गया था। जी हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल खुद ये लोग नकल करते हैं। कहाँ आपको उनके इसरार पे लिया गया था, ये कहाँ से बोल रहे हैं आप? कुछ दलील बोली ले आप? जी बोलिए, क्या दलील है? हाँ कहते हैं कि भाई मैं ले तो लेता हूँ, भुगतना तुमको है। और 95 में लोगों ने भुगता। सुनिए ना, कहते हैं बोलते हैं सुना है, ये सब छोड़ दीजिए। हाँ तो वो तो आपके इंटरेस्ट कीजिए, इसलिए तो कहता हूँ सीधा कुरान की तरफ आओ। आपको पिछले मरतबा बोला था सूरह निसा की तरफ आओ। आइए कौन? हाँ वही तो, आपसे उसी पे तो बात रुकी थी मेरी। सूरह निसा में बताइए, हाजी अब्दुल वहाब साहब के इकरार पे आए थे क्या बता दी? अरे भाई आपको बातें
वो बातें लिखित में खतूत मौजूद है अब्दुल वहाब साहब के, मौलाना इब्राहिम साहब के, बांग्लादेश के उलमा के खत मौजूद है। और सबसे बड़ी दलील, इस आदमी को छोड़ दिया, जो लोग दावत का काम चला रहे थे, दावत के काम का मतलब जो लोग होते थे, उन्होंने इसको छोड़ दिया, बात खत्म, कि ये भी नहीं मानेंगे। नहीं, मान रहा हूँ मैं तो मानने के लिए आप सब, हाँ, को, अगर इसको छोड़ दिया, आपकी बात में सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, अगर मेरे को आपके बात में कोई शक लगता है तो मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन आपकी बात सही लगती है तो मैं मान लेता हूँ। हाँ, तो सारे सबसे बड़ी दलील है कि इन सारों ने छोड़ दिया इसको। निजामुद्दीन में मुस्लिम साथी भी तो है, जो मौलाना यूसुफ साहब के जमाने भी है, भी है, सुनिए भी है, ऐसे तो बहुत है। लेकिन जब मैंने आपसे कहा था कि जब सूरह निसा क्या कहती है कि तनाजा पड़ जावे, जब जी तनाजा पड़ जाए, तनाजा पड़ जाए, तनाजा, हाँ, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। जी लौटाओ ना, तो वही वो ये आया था आम ही लोगों के लिए नहीं है। क्यों मालूम? हाँ जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आम ही कैसे लौटाएगा अल्लाह रसूल की तरफ? जी सही बात है आपकी, आम ही तो नहीं लौटा, आम ही कैसे लौटाएगा? तो ये उलमा के लिए है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के उलमा, बांग्लादेश के उलमा और हिंदुस्तान के उलमा ने लौटाया जी, तो इसको गुमराह पाया। अरे तो उलमा तो वो भी है ना जो उनकी हिमायत, हाँ वो भी है। अब जमहूर का उसूल मालूम है ना आपको? तो जमहूर है ये, आपको किसने बोला ये सब जमहूर है? जमहूर किसको कहेंगे आपको मालूम है? आपको आप बता दो मुझे, मैं आपको भी आप, अब आप जब आपने ऐतराज किया तो मुझे गिना दो साथ साथ की हिमायत वाले एक दो बड़े जमहूर, मैं आपको जमहूर मान लूंगा। पूरा सहारनपुर मां शाहिद साहब के अलावा मां साथ साथ के खड़ा है पूरा। सहारनपुर, सहारनपुर मदरसे के मोहतमिम, सुनिए, सहारनपुर मदरसे के मोहतमिम साद के ससुर थे मौलाना सलमान साहब। हाँ हाँ, उन्होंने 2012 में एक बार इसका बयान हुआ, उसके बाद बयान नहीं होने दिया और आज तक नहीं हुआ सहारनपुर में। एक बार ये तनाजा होने के बाद घुसा मदरसे में, सारे तलबा मदरसा छोड़ के भाग गए। अच्छा, और अभी सहारनपुर में जो तलबा उनके साथ थे वगैरह? अरे भाई सुनो, सहारनपुर का, सहारनपुर के लेटर हेड पे लिखा हुआ है साफ मदरसे के जो जो मौकफ, जो मौकफ देवबंद का वही हमारा है। तो वहाँ शाहिद साहब ने लगाया है ना? अरे मौलाना शाहिद साहब, आपको मौलाना शेख सुनो सही, मौलाना जो थे हमारे शहीद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहा करते थे कि शेख यूनुस जौनपुरी के बाद कोई बहुत बड़ा शेखुल हदीस है तो मौलाना शाहिद साहब है। मौलाना शाहिद साहब मुसलमान नहीं है क्या? अरे सुनिए ना, सॉरी आकिल साहब, मौलाना सुनिए सुनिए सुन नहीं आकिल साहब, मौलाना आकिल साहब, हाँ बोलिए, हाँ वो मौलाना आकिल साहब है। आपको लगता है कि सहारनपुर में सिर्फ मौलाना शाहिद साहब मुखालिफ है? मौलाना आकिल साहब का नाम सुने हो कि नहीं? जी सुना हूँ बिल्कुल, उनकी किताब पढ़ रहा हूँ रोजाना। हाँ तो फिर वो भी, उनका भी वही रवैया है इसके साथ? तो कहाँ उनका रवैया है आप बता दो जरा, उनकी कोई कॉल मकोला? मैं वही तो कह रहा हूँ, एक तो भाई 19 साल के हो खाली, तुम इस मामले में सुने नहीं हो कुछ आपने, इस मामले मेरी बात हुई है उनके उनके लड़कों से। और अभी साद की जिल्लत वाला वाक्य अभी पेश आया था कि मोचियान मस्जिद में हजरत जी बन के बैठ गया, मौलाना आकिल साहब ने पूरा मजमा ही अपनी खानकाम बुला लिया। उससे उससे जिल्लत साबित नहीं होती है उससे, किससे जिल्लत? और क्या चाहिए, और क्या चाहिए जलील होने को? देखो मौलाना साद साहब की जिल्लत से ये साबित होता है कि मुंतखब गलत है, मौलाना साद साहब की जिल्लत से साबित होता है कि वो उन्होंने ये सब काम किए। आप सब गलत, आपके पास असल क्या, आपको मैंने पिछले ऑडियो में भी कहा था कि मौजू पे रहे वो अकल वाला, हमारी बात क्या चल रही है आप भूल चुके, क्या बात चल रही है? बिल्कुल नहीं, हम जमहूर पे आए, वो आपने रद्द कर दिया कि इनकी उनकी हम नहीं मानते, मैंने कहा कुरान की तरफ लौटा, जमहूर की बात चल रही है अपनी। तो मैंने तो सिर्फ उसी के लिए बोला था भाई, मैंने जमहूर के बारे में नाम गिनाने शुरू किए, आप एक भी नाम नहीं गिना पाए हो। शुरू ना, मैं अभी शुरुआत करता हूँ ना, कैसी जमहूर गिनाओ। मैं क्या बोलता हूँ कि सहारनपुर में आपको मौलाना शाहिद याद आते हैं, मौलाना आकिल साहब, मौलाना आकिल साहब ने तो बोले नहीं कुछ, आप बोलते हो वो आपके हिसाब से नहीं बोला ना, मौलाना आकिल साहब के पास आप पहुंच जाइए उनकी खानका में, ये वही तो कह रहा हूँ आपको, जब तहकीक नहीं है आपको। और अभी तो हमारी बात सुनिए तो सही, आप जुट जुटी नाम गिना दीजिए साहब के हिमायती का, हमारी बात जमहूर के बारे में चल रही है, आप जुट जुटी गिना दीजिए साहब के हिमायती का। जो ड्यूटी ने, मैं तो एकदम ऐसे बंदे का नाम लूंगा तो आप बोलेंगे कि अरे गिनाओ गिनाओ ना, आपने
सहारनपुर में एक आदमी बैठा हुआ है, एक शख्सियत बैठी हुई है, वहाँ अब्दुल अलीम साहब बलियावी है ना। हाँ अब्दुल अलीम बलियावी लड़के जी, ये उबैदुल्ला साहब के बेटे जी। ये कब से जमूर में आ गया? क्या बोले, सुने नहीं आ रहा है। कब से जमूर में आ गया? ये जमहूर में क्यों नहीं आएंगे मेरे को बताओ, 25 साल से सहारनपुर के जमात का काम वही संभाल। अरे 50 साल से संभाल रहे हो, इससे क्या होता है? अरे तो इल्मी शख्सियतों का नाम लो भाई, वो तो तुम्हारा हाफिज मंजूर भी बैठा है झूठ बोलते है जो। देखो वो आपके नजदीक होंगे, देखो यही सब मेंटालिटी है। अरे हमारे नजदीक नहीं, सुनो ओ भाई। अरे भाई मौलाना अब्दुल अजीम साहब बलियावी गलत कैसे, वो जो इतने बड़े आलिम है पूरा सहारनपुर इज्जत करता है। अरे अरे सुनो, जरा हुआ तादिल किसको कहते हैं? अरे तुम उसूल बनाएंगे क्या जमहूर के? अरे तुम बनाओगे क्या? अरे हम भी नहीं बनाएंगे, मैं तो थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे तुमको मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, जमहूर का उसूल क्या है बोलो ना, तुम बोलो क्या उसूल है। तुम नाम गिना दो ना तुम, और मैं क्या बोलता हूँ, तुम सिर्फ नाम गिना दो। अरे सुनो ना, मैंने ये एक नाम गिनाया, आप नाम गिनाया, आप उसकी तरजीद करें, मैं फिर बाद में नाम गिना। तुम नाम गिना डालो ना सब, मैं क्या बोलता हूँ तुमको मौका, तुम सारे नाम साथ के हिमायतियों के। अरे बिलाल सुनो यार, पैंतरे मत करो, तुम्हारे पास नाम नहीं है लगता है। अरे मैं सुनाऊंगा, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, जल्दी सुनाओ, एक नाम की तरबीत कर दो। मैं क्या बोलो, तुम सारे, मैं तुम्हें जमहूर तरबीत का नाम नहीं है, तुम गलत कह रहे हो, अभी भी बोल रहा हूँ बच्चे हो तुम, जमहूर तरदीद का नाम नहीं है, रद्द करने का नाम नहीं है, जमहूर का उसूल कुछ और है। अरे तो मैं क्या बोलूं, मैं क्या तुम्हें नाम गिनाऊं ना, नाम गिनाऊंगा गिनाओ मौना अकेल। अरे तुमने बोले कि जमहूर में मौना अकेल शुमारे, मैं बोल रहा हूँ मौना अकेल। अरे मैं दलील दो। अरे मैं तो सुनो, मैं तो एक ही नाम लिया हूँ, मैं क्या बोलो, साद के हिमायती उलमा गिना दो ना, और जमहूर का उसूल सुनाओ तुम। तुम गिनाओ तो जरा। मैं तो तुमको एक ही चीज बोल दिया था, एक वाक्य इमाम अबू हनीफा का बोला था, याद है तुमको? जी मैं बहुत सुना। क्या बोला था इमाम अबू हनीफा? क्या बोले थे बोलिए आप, बोलो बोलो। सुबह शाम हदीसों में वो मेरे को याद होती है, आपसे याद आ। मैंने पिछले रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसमें कुछ कहा था मैंने तुमसे। वो मौजूद है, वही तो आपको भेजने के लिए बोल रहा हूँ व्हाट्सएप पे कि भाई क्या बात हुई है, मेरे को खुद तो याद नहीं। हाँ, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, इमाम अबू हनीफा से एक मुहद्दिस थे, वो यूं कह रहे थे कि आपकी फला फला मसले पे, पिछली बार भी कहा था उस मसले का नाम मैं नहीं लूंगा, आपके पास फला फला मसले पे जो रिवायत है उसमें 5 रावी है। कितने? 5 रावी। और मेरी जो है जो रिवायत है उसमें 3 ही रावी है। अच्छा, मतलब 3 के बाद ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाती है। और आपकी सनद क्योंकि लंबी है, 5 के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल रहे थे, मेरी मजबूत है। जी। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा तेरे तीनों मिला के मेरे किसी एक के बराबर हैं। जी। इसका मतलब ये नहीं कि तेरी रिवायत गलत है। जी। तेरे रावी गलत है इसका मतलब ये भी नहीं, सुनना ध्यान से, लेकिन तेरे तीनों का वजन मेरे किसी एक के बराबर नहीं है, तो उसूलन मेरी बात ली जाएगी, तेरी बात नहीं ली जाएगी। जी। तो अगर साद की तरफ दो चार हो भी, अब मैं पूछू आपसे, पूछो मौलाना इमाम अबू हनीफा ने जो बोले थे कि मेरे जो 3 है वो, मेरे जो 5 है उसमें से तेरे 3 के मुकाबले एक भी जो है तेरे तीन जो है वो मेरे से एक के मुकाबले में भी नहीं। हाँ, ये किस बुनियाद पे बोले थे? इबादत की बुनियाद पे, कौन सी बुनियाद पे बोले थे मुझे ये बताओ। वो तो फिर तुमको पूरी वो हदीस की वो पूरी पढ़नी पड़ेगी। कौन सी तो बोलिए ना आपने, कौन सी बुनियाद आपको क्या लगता है? इंजीनियर होने की बुनियाद पे कहा था, मालदार होने की बुनियाद पे, किस बुनियाद पे कहा था? नहीं, कोई इल्म की बुनियाद पे कहा? तो आपको पता है तो क्यों नाटक वाले सवाल कर रहे हो? तो मैं आपको पूछता हूँ, अगर कोई, मैं वही कह रहा हूँ, आप नौटंकी वाला सवाल क्यों कर रहे हो जब मालूम है तब? अरे तो जाहिर कोई चीज होंगी तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे भाई आपको पता भी था, आपने ही तो कहा इल्म की बुनियाद पे, फिर नौटंकी क्यों किए बीच में? अरे नौटंकी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कोई और। आपने वो चीज पूछी जिसका आपको मालूम था। अच्छा, अरे तो मैं आप फिर उस पर बात करेंगे कि भाई ये नहीं ये बुनियाद। अरे बात मैं नहीं भूलूंगा, मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौजू पे बात करता हूँ उसी पे रहता हूँ। अब मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि तुम गिनाओ ना, तुम 100 गिनाओगे ना, जैसे हाँ। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ 100 चलते थे, कितने आलिम हमेशा चलते थे। तो साद के साथ जो चलते हैं उनकी हैसियत तो मुझे मालूम है, तुमको भी मालूम है। 2000 सुनिए, 2017 में या 18 में मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब का इंतकाल हुआ। हाँ, आपको ये शख्सियत? हाँ, पाकिस्तान वाले। हाँ, विफाकुल मदारिस के रही। हाँ, शायद वो भी मौलाना साद साहब के साथ, शायद पे नहीं चलता सब कुछ।
और सुनो, तुम बैतुल मुकद्दस की तरफ चेहरे वाली आयत देके, समझ में है ना, उसकी तरफ किबला साबित नहीं कर सकते, उसूल सीखते जाओ, हमसे भी बच्चे हो, आखिरी अमल क्या है, हमारा उसूल है। मेरी बात सुनिए, बच्चा बच्चा करके मत बोलिए, मैं मिश्कात पढ़ रहा हूँ, आप तो शायद मिश्कात, अरे मिश्कात पढ़ रहे हो, लेकिन इल्लत तुम्हें पिछली बार भी नसीहत की थी, किसी भी बात में इल्लत किसको कहते, समझ जाओगे ना, अभी भी तुम नहीं समझ रहे हो। अरे चलो मैं क्या बोलता हूँ, सुनो तो सही, चलो सलीमुल्लाह खान साहब को भी साथ, अरे सुनो 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 प्यारे, सलीमुल्लाह खान साहब को भी उसका हिमायती मान लिया, अब्दुल अलीम बलियावी को भी उसका हिमायती मान लिया। चलो ठीक है, और गिनाओ मौलाना सलमान साहब को, मजाहिरी रहमतुल्लाह, हाँ चलो गिनाओ, और गिनाओ, तीन हो गए, चलो हो गया, देवबंद के कुछ असातिज़ा है, देवबंद के खुद कुछ असातिज़ा, हाँ देवबंद के चंद है असातिज़ा है, चलो और, हाँ देवबंद क्या बोलते हैं, सहारनपुर के कुछ असातिज़ा है, मौलाना उस्मान साहब है, मौलाना उस्मान साहब, हाँ मौलाना उस्मान साहब है, उनके छोटे भाई, नाम बोल रहा हूँ मैं, जो हजरत जी के जैसे मौलाना शाहिद साहब के जो दामाद है, मौलाना उस्मान साहब है, और शायद नोट कर रहे आप है ना, नहीं नहीं नोट वोट कुछ तुम बोलते जाओ ना, उनके छोटे भाई है, इसी तरह बहुत से उलमा है, मैं बोला ना चार पांच का नाम ले, बहुत सारे नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी फौज लेके चलता था 100 की, और इसमें से इनमें से जिसकी ताकत हो ना, मोहम्मद यूसुफ के सामने आके बात कर ले वे, अब सुनो जमूर के ऊपर फिर से आते हैं, इन सबको एक पलड़े में रख दो, रख दिया, शेख तकी उस्मानी को दूसरे पलड़े में रखो, अरे तकी उस्मानी वहां साथ के खिलाफ है, कहां से कौन लगा, तुम ऐसा करो टमाटर की चटनी खा के सो जाओ, खा लेंगे इंशाल्लाह, वो भी खा लेंगे, अल्लाह जो, शेख यूनुस जौनपुरी, सुनो अब इन सबको वापिस, तकी उस्मानी साहब को भी रखो, ठीक है ना, हम एक एक के बाद में तुम्हारे 100 का वजन कर रहे हैं, शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ, कौन के बिल्कुल बद्दुआ, अरे मैं कहता हूँ टमाटर की चटनी खा प्यारे और सो जा, अरे भाई एक बद्दुआ से क्या आदमी कुछ हो जाता है, बद्दुआ मेरे बाद मेरे को दे रहे रोजाना सुबह शाम में सताता हूँ, अरे बद्दुआ साध के फितने से उम्मत की हिफाजत फरमे अल्फाज से, अरे तो कौन मना कर रहा है, ये बद्दुआ थोड़ी उनके, अरे मना, अरे प्यारे सुन, अरे सादियानी ऐसे ही, हमारी बात जमहूर पे चल रही है, सादियानी ऐसे ही अंधे नहीं हुए, ये जमहूर का उसूल गिन पे बात चल रही है, तुम्हारे जज्बात पे बात नहीं चल रही, सुनिए ना, तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े उलमा है, तुमको ये लफ्ज की तहकीक है, सादियानी आज की तरफ निस्बत, अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, सादियानी जो मेरे नबी और सहाबा के रास्ते से हटा हुआ है वो नया ही है कुछ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ अभी अभी, अरे सुनो इधर उधर मत भागो यार, तुम बोल बच्चन बहुत करते हो, हमारी बात जमहूर पे चल रही है, हाँ बोलिए चलो, जमहूर पे चल रहे, गिने दो गिने, कितनों को तोलोगे, ये अब्दुल अलीम बलियावी फलियावी ये सब किसको, कितनों को गिनोगे, गलत है, देखो ये सब बात गलत है, आप जो, अरे मैं गलत, मैं साध को गधा कहता हूँ कुरान की रोशनी में, मैं कुरान की रोशनी में साध को गधा कहता हूँ, गधा बिलाल भाई, बिलाल कुरान की रोशनी में गधा है वो, कमसलिल हिमारी अहमिल असफर आयत है ना, हाँ, जी जी है, ये वही है, बनता तो शेखुल हदीस फलाए डिमा का, और उसको इतनी तमीज नहीं कि अल्लाह के नबी की इज्जत कर ले और मूसा अलैहि सलाम की इज्जत कर ले, जी वो सब जी पता है जी, सब पता नहीं, गैरत मर चुकी है बिलाल, गैरत मर चुकी है, खून सूख चुका है तुम लोग का, पता है वो सब बोलो तुम, कुछ भी बोलो वो, अरे बिलाल मेरे बोलने से नहीं होता, तुमने बोला सब पता है, सब पता है फिर भी उस पर ईमान लाए हो, सब पता है बोले तो तुम्हारे मुतालिक तुम जो बोलते हो, अरे उसकी क्या, हम तुम बोलो हम झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोला कुछ, हम झूठ बोल रहे हैं क्या, तो मतलब तुम्हारे ईमान को बिलाल, तुम्हारे ईमान को अभी जमहूर वाली बात अधूरी है, रुको से आप बोलिए ना यार, तुम जमहूर बोलते थे सिर्फ खून सूख गया, मैं तुम, हाँ हाँ जमहूर में तो होड़ क्या, खून सूख जाएगा, हार्ट बंद हो जाएगा तुम लोग का, और बगैर बगैर तौबा किए हार्ट बंद हुआ ना तो कयामत के दिन तो जो फिर अल्लाह ने नक्शा खींचा है ऐसे हट धर्मी लोगों का, अभी जमहूर के ऊपर आओ, चलो मैं आ रहा हूँ, जमहूर पे गिना दिए तुमको शेख यूनुस साहब, तकी मौलाना तकी उस्मानी साहब, पीर तलहा साहब, और सुनो अब दूसरी बात सुनो, अभी तो देवबंद का फतवा जो है ना जी मौका उसकी, हाँ हाँ वो रुको
रुको रुको, ये जो ना अल्फाजों के खेल नीचे है ना, मौलाना नेमतुल्ला साहब ने साफ लिखा है, इसलिए हम ये फतवा, अरे सुनो अल्फाजों के खेल है, फैसल अमीर जिम्मेदार सब अल्फाज, अरे सुनो सुनो, ये तुमको जम नहीं रहा लगता, घुटन होने लगी है, उसी फतवे में नीचे साफ लिखा है लोगों को गुमराही से बचाने के लिए हम ये फतवा दे रहे हैं, और वो अभी फिर तुम बात घुमाओगे, हमारी बात जमहूर पे है, हमारी बात जो ये फतवा देवबंद का उसके ऊपर तुम्हारे महाराष्ट्र के, सुनो अरे प्यारे भागो मत, सुनो तुम्हारे उस फतवे के ऊपर मुफ्ती अजीजुर रहमान फतेहपुरी का 10 मुफ्तियों के साथ दस्तखत मुफ्ती है महाराष्ट्र के जी, हाँ हाँ समझ गए, अरे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मौलाना सलीमुल्ला खान साहब ये लोग सब, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे तुझे लगता है फिर बिलाल, अरे बिलाल बिलाल सलीमुल्ला खान साहब को तोल दिया मैंने मौलाना शेख यूनुस के मुकाबले में, बिलाल बिलाल तुम बिलाल तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वजन किया था तो मैंने तोला सलीमुल्ला खान साहब को, और सलीमुल्ला खान सुनो सुनो और सुनो सलीमुल्ला खान साहब को इंडिया आने की भी जरूरत नहीं है, मुफ्ती जरवली खान साहब के सामने ही तोल दो उनको, मुफ्ती जरवली खान साहब ने क्या किया, आप वही तो बोलता बेटा, तो टमाटर की चटनी बना खान साहब ने तो बोले, सुन तू आलिम भी मत बनना उम्मत को, सुन तू तेरे पास तू आलिम भी मत बनना, मिसकात पड़ रहा उसको भी छोड़ दे, किसी शेख के पास खानकाह में चला जा, इब्लीस को जिस चीज ने मारा ना बिलाल, इब्लीस को जिस चीज ने मारा वही चीज तुझे मार रही है, तूने तू अच्छा चल तुम्हारे बस का नहीं है, तूने मुंतखब क्यों शुरू करवाई फिर से जो बंद हो चुकी थी, जो चालू थी उसको बंद क्यों थी, हाँ चालू क्यों थी, फजाइल उससे पहले फजाइल अमाल चालू थी, कौन मना कर रहा है, फजाइल तो अभी भी चालू, फजाइल अमाल क्यों, उसकी जगह इसको क्यों लाया गया, कोई मशवरा हुआ नहीं, लाया उसके साथ लाया भाई, कोई भाई जो भी लाया क्यों मशवरे से लाया, मशवरे से लाया, कौन से मशवरे में मुंतखब पास हुई थी, कौन से मशवरे में नहीं हुई थी, आप बोलो ना आपके पास भी तो होंगे ना भाई, तुमको हजार बार पूछ रहा हूँ, जो वारदात हुई नहीं उसका सबूत नहीं मिलेगा, तुम बोलते हो तुम्हारा दावा है कि किसी मशवरे में हुई तो उस मशवरे का नाम दो, तुम सुने ना आप क्या बोलते थे उस दिन, सुनो ना मेरे को अभी एक बात याद है कि मौलाना यूसुफ साहब ने जो हाजिस का जो लिखा था एक मुद्दा हुआ था, तो उसके बाद जो है 30-35 साल गुजर गए, फिर मौलाना साहब ने ये लिखी, तो क्या उसके बीच के इतने बड़े बड़े आलिम और हमारे हजरत ये खाइन थे, ऐसा आपने पूछा था, हाँ, बिल्कुल अभी भी कह रहा हूँ, तो मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि जब 2000 में ये मुंतखब चालू हुई थी बगैर मशवरे के आपके अनुसार, तो 2015 तक आवाम के अंदर जो है इसको बगैर मशवरे के चलाए, जो भी है आवाम ने इसको ऐसा नहीं फैलाया कि भाई ये बगैर मशवरे के चलाई जा रही है, तो क्या मो इब्राहिम साहब मोहम्मद लाल, अरे भाई तुम वही तो कह रहा हो टमाटर की चटनी बटाओ, 19 साल के बच्चे लोग पड़ोस मुल्क में नहीं चली, बांग्लादेश में नहीं चली, हिंदुस्तान के कई सूबों में नहीं चली, वो तो साद ने अलल हैरान बदतमीजी करते हुए अब्दुल वहाब साहब को सठिया गए कह के कहा मैं तो चलाऊंगा, अब इसका तो कोई इलाज नहीं है ना, और तुम जैसे नौजवान सुनो सुनो तुम जैसे नौजवान ये सब बड़े बड़े लोग खाइन थे, इब्राहिम साहब खाइन थे, अरे पर मैं तो तुझे कैसे लग रहे खाइन, तुम कैसे क्या कहना चाह रहे हो तुम, हम खाइन मानते ही नहीं उनको, हम तो बहुत बड़ा आलिम मानते हैं, अरे भाई हर एक की मुखालिफत थी, तुझे कह रहा हूँ, अरे बिलाल तुझे तू छोटी उम्र होके इतनी बड़ी हरकत जो किया है ना, अल्लाह के जवाब देना पड़ेगा तुझे, जो मुंतखब बगैर मशवरे के जो चालू हुई उसको तू चालू किया है, सब दे देंगे भाई सब दे देंगे, अभी तो हम लोग तो अभी मशवरा कर रहे हैं बुखारी भी लाना है, ऐसा बुखारी लाना है, फतुल बारी का नाम सुना है जी, फतुल बारी का नाम सुना है, बोलिए ना आप आगे यार, मैं क्या बोलता हूँ, एक एक अब इस पे खत्म, एक अहले हदीस तेरे जैसा डेढ़ शाणा, बोलिए तेरे जैसा डेढ़ शाणा अहले हदीस, भाई मेरे को डेढ़ शाणा मत बोलो, मैंने बोला ही क्या आपको भाई, अब बुखारी शरीफ लाना चाह रहे हो ना इसलिए डेढ़ शाणा बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा हूँ यार, तुम यूसुफ भाई सुनो, मैं नहीं चाह रहा हूँ, कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं तो वही वही बच्चे वही तुम जैसे वही तुम लोग तो काफी, सुनो एक डेढ़ शाणा मुझे अहले हदीस पूछता है कि यूसुफ भाई मैं कौन सी किताब पढ़ूं, हाँ। वो बदमाशी से पूछ रहा था, तो मैंने कहा तालीम मौलाना इलियास गुम्मन साहब कहते हैं, तो मैंने कहा तू तालीम उल इस्लाम पढ़, हाँ, बराबर सही बोले आपने, क्या कहा, तो बोले नहीं नहीं दूसरी, हाँ। मैंने कहा फजाइल अमाल पढ़, क्या कर मुंतखब भी बोलते आपको, अरे मैं अरे उसी का जवाब दे रहा हूँ प्यारे, उसी का जवाब दे रहा हूँ, मेरे जहन में क्या तुम सादिया नहीं भटकाने की कोशिश करते, अलहमदुल्ला मैं भटकता नहीं, सुनो कुछ भी नहीं, सुनो सुनो, तो मैंने कहा प्यारे तू फजल अमल पढ़,
हाँ बोलिए ना, मैं तो बोल, तो उसने कहा मुझे मालूम था आप लोग को बुखारी से बुग्ज है, बुखारी बोलोगे नहीं। कौन कौन बुग्ज? अच्छा हाँ बराबर। हाँ वो बोला, तो मैंने कहा तूने फतुल बारी का नाम सुना है? हाँ। तो बोला व्हाट्स दैट, वो जरा इंग्लिश में ऐसे रहते हैं ना। हाँ। तुम्हारे में वो नहीं है लेकिन तुम नव उम्र आदमी हो। तो फतुल बारी किसने लिखी है बिलाल? इतने हजार अस्कल है। हाँ कितने साल लगे? नहीं पता। नहीं पता ना, पता होता तो तुम मशवरा भी नहीं देते बुखारी शरीफ का। हाफिज ने हजर रहमतुल्लाह ने इसको लिखने, बुखारी में कितनी हदीस है? अरे मशवरा नहीं हुआ। अरे सुन तो सही। अरे बिलाल यार तू बात से बहुत भागता, बात पूरी नहीं होने देता, फिर मुझ पे इल्जाम लगाते हो, मुझ पे इल्जाम लगाते हो बात करने में। सुन तो सही बिलाल, अरे सुन तो सही बिलाल, कुछ बोलता ही नहीं हूँ, आप ही बोलिए। हाँ बिलाल कितनी हदीस है बुखारी में? नहीं पता। ये भी नहीं पता? नहीं पता। 7,000 के लगभग है आसपास, जिसमें 2500 बता दो कितनी है वो बता दो, एक बता दो। सुनो 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 सुनो, देखो एग्जैक्ट 6,775 ऐसी कुछ सुनो अदद, मतलब 6.5 से 7 के बीच में सुन लो। हमारा बात वो नहीं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनो तो सही पूरी बात, 2500 ऐसी है जिसमें रिपीट हुई है एक का एक मौजू, समझ में आए? अब सुनो सुनो प्यारे सुनो, तो हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह को 25 साल लिखे फतुल बारी लखने में, कितने? 25 साल प्यारे। और सुनो कितने कितने उसके पारे हैं मालूम, कितने उसके वो हैं जिल्दे? जिल्द हाँ जिल्द कितनी है फतुल बारी की? हाँ 30 जिल्दे। कितनी? 30 30 जिल्द। अब समझ में आ गया? अब समझ में आया? मैंने कहा बेटा अहले हदीस विल यू बी एबल टू डाइजेस्ट इट, तो बोलता है व्हाट, तुम लोग को बुक्स है? मैंने कहा बुक्स नहीं बेटा, फतहुल बारी लिखते लिखते 25 साल लग गए और 30 जिल्दे लिखी, और बुखारी पढ़ाने वाला हमारे यहाँ जो आलिम होता है ना शेखुल हदीस, वो 40-50 साल के होते हैं, और जमात इस्लामी वाले को बड़े बड़े मदरसे चलते, उनकी औकात नहीं कैसा शेखुल हदीस पैदा कर ले वे जो बुखारी पढ़ा ले वे। तो तुम जैसे नादान और साद कमबख्त जो अहले हदीसों से मुतासिर है वो मुंतखब चालू किया, किसी माइके लाल की औकात है कि हदीस को समझ ले वे बगैर उसकी तशरीह के? उम्मत में एक एक हदीस फजाइल सदकात में लिखी है, 35-35 छोटी 3 लाइन की हदीस, उसके 35-35 पन्ने समझाए गए हैं। जी कौन मना कर रहा है भाई? अरे मना, तुम लोग नालायकी और नादानी कर रहे हो, बंदर के हाथ में तलवार दे रहे हो। मतलब ये है कि हदीसों को बयान ही नहीं करना है आवाम के सामने। अरे हदीसों को बयान करने के लिए आज फिर तू शादियानी जिद कर रहा है? अरे मैंने कहा शेखुल हदीस किस उम्र के रहते हैं? अरे बिलाल सुन, अरे बिलाल सुनने प्यारे, तो हाफिज इब्ने, अरे हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह को कितने साल लगे? अरे भाई मेरे को कुछ बोलने देंगे, मेरे को बोलो, बोल दे भाई देंगे तो ठीक है। मैं ऐसा बोलता हूँ इब्राहिम साहब, ये लोगों ने जो मुंतखब के ये लोग बोलते हैं कि बगैर मशवरे के चलाई गई, तो वजह ये थी कि आवाम को डायरेक्ट हदीस नहीं सुनाई जाए। बिल्कुल ये वजह आज की नहीं है। अरे तुझे तुझे घोट के पीस के समझा तो दिया कि हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह को जिसमें 2500 हदीस तो रिपीटेड है एक ही चीज के बारे में, वो 2500 भी निकाल दो तो तकरीबन 4,042 हदीस बचती है लगभग, उनको समझाने में 25 साल और 30 जिल्दें लगी, और तुम जैसे जिनको कुछ इल्लत किसको कहते नहीं मालूम, जमहूर किसको कहते नहीं मालूम, वो लोग अरे सुनो सुनो, अरे अहले अरे तबलीगियों को तो हमारे तबलीगियों को तो ये भी नहीं मालूम कि हमारे मसलक का नाम क्या है। एक साल में बुखारी, अरे मेरी बात सुनिए ना, सब मदारिस में एक साल में बुखारी पढ़ाने वाले गलत है ना, 25 साल पढ़ाओ तो समझेंगे लोग। अरे पगले सुन सुन सुन, वो एक साल गिन रहा है, पीछे का 7 साल नहीं गिन रहा? अरे तो वही तो, अरे पगले, अरे पगले सुन, अरे तू नफ्स परस्त, उसकी इस्तेदाद पैदा करने के लिए पहले 7 साल पढ़ाया जाता है। तो कौन मना? अरे नफ्स परस्त, उसको समझाने के लिए पहले 7 साल तैयार कराया जाता है। चल आज का डोज बहुत है सादियानी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बंद कर दे मुंतखब, बंद कर दे, उम्मत में वबाल आएगा तेरे पे, वबाल आएगा, लोग गलत गलत सुन, साद गलत नहीं है, साद पूरी ऑडियो कितने मिनट की हुई है? 1 मिनट रुकी, साद जो है ना, साद सुन सुन, 25 मिनट
मिनट आपने ही बोला है, 4 मिनट मैंने बोला है। अरे तेरे हर सवाल का जवाब दिया है मैंने, मैंने तो सवाल किया ही नहीं अभी तक कुछ। ये आवाम सुनो ना ये। अरे बिलाल सुन तो सही, बिलाल 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 सुन, चल तुझे तुझे और तशरीह कर देता हूँ इसी चीज की कि हदीस से कैसे जिहालत फैलती है। ये साद कमबख्त कुरान और हदीस का दुश्मन अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की हदीस पेश करता है। कौन सी मालूम? अबू हुरैरा बाजार में गए रजी अल्लाह तआला अनु और कहा तुम लोग यहाँ बैठे हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास मस्जिद में तकसीम हो रही है। जी। तो लोग भागे भागे मस्जिद में गए है ना जी। फिर वापिस आए, फिर क्या है वापिस आए तो अबू हुरैरा से कहा कि ए अबू हुरैरा वहां तो कुछ नहीं हो रहा। तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह अनु ने पूछा कि आखिरकार बताओ तो सही क्या हो रहा। वो बोले वो तो सीखना सिखाना और कुरान का दर्स वगैरह अमल हो रहा था इस तरह का। तो अब वो रंग का कि यही तो मीरास है नबियों की, नबी दीनारों दिरहम नहीं छोड़ जाते। अब ये जाहिल अजहल साद इसके जरिए से इससे वो गश्त करके लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाना साबित कर रहा है। तो इसमें इसमें ऐसा तुम्हें लगा कोई भी शक्ल लग रही है? लोगों को मस्जिद की तरफ बुला रहे हैं और क्या। अच्छा वही कह रहा हूँ, सादिया नहीं अल्लाह रसूल की बात को सीधी नहीं करेगा, साद की सीधी करेगा। यहाँ बुलाने वाला खुद तो बाहर खड़ा है जी। तशरीह बोलो ना। अरे सुनो, ये बुलाने वाला भी बाहर खड़ा है, सुन तो सही, और जिनको भेजा था वो भी आ गए जी। तो इल्लत मस्जिद को आबाद करने पे थी कि कुछ और बात समझाने पे थी? आप बोलिए ना किस बात। इल्लत इस पे थी, इल्लत इस पे थी कि नबी क्या छोड़ जाते हैं, जो क्योंकि जो निकला था वो भी वहीं खड़ा है, जिनको भेजा था वो भी वापस आ गए। और साथ इससे साबित कर रहा है दावत तालीम इस्तकबाल जाहिल अजहल, और तुमने कसम खाई है कि अल्लाह रसूल की नहीं मानेंगे, साथ की उल्टी को भी सीधी करेंगे। इसमें कहां तुम्हें मस्जिद को आबाद करने वाला कोई अमल समझ में आया? सब बहुत समझ में आया। सालों से कर रहा है साथ ऐसा, सालों से यही समझा रहा है लोगों को बेवकूफ जैसा। तो समझ में आ रही है ना, कौन मना कर रहा है उससे? वो भी समझ में आ रहा है कि नदी दीनार दनार दनारे नहीं छोड़ते, बल्कि बस यही इल्लत थी, इसी पे इल्लत थी, यही चीज है, ये समझाना चाह रहे थे। लोगों पे गश्त करके मस्जिद में लाना इसमें साबित नहीं होता है, क्योंकि खुद तो बाहर खड़े और जिनको भेजा था